एक तरफ दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को होली से पहले ही बाजारों में सख्ती बरतने के आदेश दिए थे, लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस इन आदेशों की अनदेखी करती नजर आ रही है। बाजारों में ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और ना ही मास्क लगाने को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली के कई इलाकों में चल रहे साप्ताहिक बाजारों में भारी भीड़ और उस भीड़ को रोकने में पुलिस और एमसीडी नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में एमसीडी कर्मचारियों व पुलिस अधिकारियों के नाक के नीचे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। जहां ये साप्ताहिक बाजार चल रहा है, इस बाजार को देखकर लगता है कि कोरोना का बम यहीं पर है, इस इलाके के लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। वहां पर बिना मास्क लगाए लोग सरकारी गाइडलाइन को ये बाजार और बाजार के लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। सभी को मालूम है कि लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके एमसीडी और इलाके की पुलिस बाजार लगाने वालों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। अगर हम बात करें तो सिर्फ एमसीडी ने जिस जगह बाजार लगाने की परमिशन दी हुई है, वहां के अलावा भी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन और मेन रोड पर भी बाजार लगा हुआ है। आपको ये सब बाजार लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस बाजार में ना ही तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। इन सभी साप्ताहिक बाजारों के लिए नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में हमने कहा है कि हमारे को नाइट कर्फ्यू के समय का ध्यान रखना होगा। साप्ताहिक बाजार नाइट कर्फ्यू बंद होने से पहले बंद हो जाए, उठ जाए, उसकी चिंता सभी दुकानदार लोग करें। इसके अलावा जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो जाए, मास्क की व्यवस्था हो जाए। तो जो इतने भी एसोसिएशन के लोग, हमने कहा है कि वहाँ पे एक काउंटर बनाया जाए, जो जिसके पास मास्क हो उसको मास्क दिया जाए और कोशिश की जाए कि जो बगैर मास्क आ रहा है उसको चेतावनी दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इस जो कवच का काम है वो मास्क का ही है। और हम वहाँ मुनादी भी करा रहे हैं कि 45 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं वो टीका केंद्र में जा करके टीका लगवाएं। इस भीड़ भरे बाजार के बीच ही इलाके का नर्सिंग होम और सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय भी है। सप्ताह में लगने वाले बाजार में वीरवार को इलाके के लोगों के अलावा नर्सिंग होम में आने वाले मरीजों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा बखूबी इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। और अब तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बाजारों में सख्ती भी बरतने के लिए बोला है और इस बाजार में खुद पुलिस भी मौजूद है, पर बाजार की भीड़ शायद पुलिस को और अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही। जब भीड़ ऐसे बढ़ेगी तो कोरोना पर लगाम लगाना कितना मुश्किल होगा। इस इंद्रलोक इलाके में पूरी मार्केट में तो सोशल डिस्टेंस बहुत दूर की बात है, पूरी मार्केट में कहीं पर सैनिटाइजर के भी कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोविड 19 के संक्रमण को बढ़ने में ये लोग सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हैरान करने की बात है कि धड़ाधड़ चालान काटने वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी भी इस कोरोना बाजार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जबकि आपको बताते चलें कि जिस जगह पर यह बाजार लगता है वहां से इलाके की पुलिस चौकी सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है। और इतना ही नहीं, इलाके के निगम पार्षद और विधायिका का कार्यालय भी थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। इस वक्त जो है पूरा कंट्री का, पूरा वर्ल्ड सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के पेंडेमिक के बीच में है और देखा यह गया है कि ये पेंडेमिक बहुत तेजी से दोबारा से खतरनाक रूप ले रहा है। इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई है और यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है। तो इन हालात में इस वक्त लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरे करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए ये देखा जा रहा है बहुत सारी जगह गैदरिंग्स हो रही हैं, शादियों में, वीकली मार्केट्स में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये आइंदा एपिडेमिक को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह होगा। एपिडेमिक इस प्रोपोर्शन में फैलेगा कि इसको संभालना मुश्किल होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम बंद करेंगे तो भी मुश्किल है। तो इसलिए लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इतना तो किया जा सकता है कि जो भीड़ है वो कम करी जाए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोविड नियमों की अनदेखी करने पर एमसीडी या दिल्ली पुलिस इनका चालान क्यों नहीं काटती, या फिर किसके इशारे पर इस बाजार को लगने की परमिशन दी गई है। आखिर इस तरह के कितने बाजार चल रहे हैं दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन के बीच, या दिल्ली सरकार बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, या दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से दिल्ली सरकार को कुछ लेना देना ही नहीं है। यह सब एक सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।